children, welcome in the class of biology. Today we are here to discuss about the unit test syllabus. Okay, today we are discussing about class 10th unit test syllabus. So in your unit test we are considering chapter number 6, life processes. Okay, kaun sa chapter? Chapter number 6, life processes consider kiya ja raha hai class 10th ki biology mein. आप सब जानते हैं बायोलॉजी साइंस को जनरली थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को कंसीडर करके 30 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से 10-10 मार्क्स को तीनों सिलेबस को तीनों चैप्टर्स के सॉरी तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. 10 मार्क्स का आएगा बायो का, 10 मार्क्स का केमिस्ट्री का एंड 10 मार्क्स का फिजिक्स का. सो 10 मार्क्स का आने वाला हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि आप लोगों को बुक से डिटेल में पढ़ना है, उसके अंदर से पेपर बन के आएगा. सो कंसीडर दैट वन. आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को प्रॉपर तरीके से डील करना है, उसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर की प्रॉपर स्टडी करनी है, बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनकी प्रॉपर स्टडी करनी है, उनमें जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो उनमें से हम कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बुक के अंदर से जब आप रीड आउट करेंगे तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बना के देंगे. सो लर्न इन द प्रॉपर वे. लाइव प्रोसेसेस ऑलरेडी हम 2 टाइम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस उसके साथ मैंने आपको रिवीजन भी पहुंचाया है. सो आप लोगों का 10 मार्क्स का किस तरीके से आने वाला है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आएंगे, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आएंगे. कैसे आएंगे 6 मार्क्स के? 3 क्वेश्चंस होंगे, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी किए हुए होगा. प्लीज डोंट थिंक दैट कि 2 मार्क्स का है काफी लेंदी है, तो भी आपको उसका पूरा डिस्क्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों की 10th बोर्ड है. और डायग्राम बनाना मस्ट है, और प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाना मस्ट है. उसके बाद अगर आपको जो भी दिया जाता है उसको आप एक प्रॉपर मैनर में राइट डाउन करें. बायो का पार्ट है तो राइट डाउन इन द टॉप बायो, देन उसके क्वेश्चन आंसर लिखे. फिजिक्स का है तो राइट डाउन फिजिक्स, देन उसके क्वेश्चन आंसर लिखे. केमिस्ट्री का है तो राइट डाउन केमिस्ट्री, देन उसके क्वेश्चन आंसर को लिखें. ओके, ताकि आप लोगों को भी कुछ हौश पोश ना हो और ना ही हमको चेकिंग करने में कोई इश्यूज क्रिएट हो. इसके अलावा आप लोगों का पूरा लाइव प्रोसेसेस, व्हाट इज लाइव प्रोसेसेस, क्या होती है, उसके अंदर जितने भी हमने इंटरनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके बारे में डिटेल स्टडी करें. ओके, क्योंकि इनके अंदर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आने वाले हैं. और रिमेम्बर वन थिंग, आप लोगों की बोर्ड क्लास है तो आपके और फर्दर जो क्लासेस है तो उनके भी पीरियोडिक टेस्ट है, तो इनके मार्क्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में एड होने वाले हैं. आप जैसे मार्क्स लाएंगे वही मार्क्स आपके एग्जाम में एड होंगे, और 80% आपका जो है एग्जाम, मेन एग्जाम जो होगी टर्म, मिड टर्म और मेन टर्म, उनमें इनके 20% ऐड होके और आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा. तो डोंट थिंक दैट कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ गाइडलाइन दी नहीं है. आप लोगों के एग्जाम होना मे बी 100% पॉसिबल है, तो प्लीज डू योर पेपर वेरी वेल, क्योंकि आप लोगों का 10th बोर्ड है. अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो इट्स वेरी टफ फॉर यू. सो प्लीज डू योर बेस्ट. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर. ओके, अगर कोई इश्यू होता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी और ऑन द कॉन्टेक्ट ऑन द स्कूल नंबर. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे. गुड बाय स्टूडेंट, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर. डू योर पेपर वेरी वेल. बाय स्टूडेंट्स.